गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिविका एंड मैं वीडियोस बनाती हूँ बेकिंग, कुकिंग, प्रोडक्ट रिव्यूज एंड मेकअप पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑन द चैनल। एंड मेरे को अपने कमेंट्स के थ्रू प्लीज बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज कैसे लग रहे हैं। तो बिना कोई देरी के लिए स्टार्ट है टुडेज वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पर्पल की वेबसाइट से मंगवाए हुए कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू। इनमें जो तीन मेजर ब्रांड्स है, दैट इज एनवाइस, स्टेकवर्की एंड पर्पल का खुद का प्राइवेट लेबल। गाइज, पर्पल के सारे प्रोडक्ट कुछ इस तरह के स्टैंडर्ड कार्टन बॉक्स की पैकेजिंग में आते हैं। मैंने सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग कर ली है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड पैकेजिंग काफी सही थी, बबल रैप में होके आए थे तो डैमेज होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज हॉल। सो गाइज, हॉल स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं, मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड सारे प्रोडक्ट्स के जो ऑफर प्राइसेस है विद द शेड मैं स्क्रीन पे विजिबल कर दूंगी जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट्स को रिव्यू करूंगी। सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है NY 5-in-1 लिपस्टिक। ये क्लेम करता है दैट इट इज मैट फॉर्मुलेशन, स्मूथ एप्लीकेशन, एनरिच विद विटामिन ई, तो बहुत मॉइस्चराइजिंग होगा, सैटिन टेक्सचर एंड हाईली पिगमेंटेड। एंड इसकी MRP जो है दैट इज 399। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की ब्लैक बॉक्स में आती है। सो गाइस, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। एज यू कैन सी, यहाँ पे 5 शेड्स अवेलेबल रहते हैं तो काफी कन्वीनियंट है। ऑल्दो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है हर एक लिपस्टिक की, बट कन्वीनियंस के हिसाब से काफी सही है, बिकॉज आपको 5 लिपस्टिक एक ही सिंगल यूनिट में मिल जा रहा है। तो ये तो हो गई इसकी कन्वीनियंस की बात, लेट्स सी इसकी क्वालिटी कैसी है। सो गाइस, एज यू कैन सी, काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी पिगमेंटेड है। एक ही स्वॉच में इतना अच्छा डार्क कलर आया है, तो हाईली पिगमेंटेड तो है और स्मूथ भी काफ़ी है, काफ़ी इजीली अप्लाई हो गया। स्मज प्रूफ मेरे को उतना ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, तो थोड़ा स्मज होता है ये, बट हाँ मैनेजेबल है। तो लेट्स सी कि बाकी के कलर्स कैसे हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी कि सारे शेड्स काफ़ी अलग है एक दूसरे से। ऑल दो आपको कैमरा में ये तीनों कलर थोड़े सेम लग रहे होंगे, बट इन पर्सनल ये काफ़ी अलग है। एक पिंकिश टोन में है, एक रेड है और एक थोड़ा पर्पलिश टोन है। ये आपको ब्राउन शेड मिल जाता है और ये आपको थोड़ा ऑरेंजिश न्यूट कलर मिल जाता है। तो एक ही लिपस्टिक में इतने सारे शेड्स मिलना काफ़ी कन्वीनियंट भी है और क्वालिटी भी काफ़ी सही है। एंड मोर ओवर द प्राइस वी आर पेइंग फॉर, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस इफ़ यू लव लिपस्टिक्स। एंड या सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट अप आई हैव दिस लिक्विड आईलाइनर बाय NY। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, लिपस्टिक के जैसी है, ब्लैक कार्डबॉक्स में आता है। एंड इट क्लेम्स दैट इट इज अ मैट फिनिश, सुपर पिगमेंटेड, क्विक ड्राई एंड लॉन्ग वेयरिंग। सो लेट्स सी कि ये अपने क्लेम्स पे खड़ा उतरता है या नहीं। सो गाइज, एज यू कैन सी काफ़ी पिगमेंटेड है ये और काफ़ी अच्छे से भी अप्लाई हो चुका है। लेट्स वेट फॉर 5 सेकेंड एंड देन वी विल सी दैट क्विक ड्राई है या नहीं, मैट फिनिश है या नहीं, एंड लॉन्ग वेयरिंग है या नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। सो गाइज, आफ्टर 5 सेकेंड लेट्स सी कि ये स्मज होता है या नहीं। सो गाइज, एज यू कैन सी स्मज प्रूफ है बिल्कुल एंड पिगमेंटेड भी है, स्मूथ एप्लीकेशन थी। एंड या दिस इज ऑल्सो रियली नाइस प्रोडक्ट, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस एज वेल। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइज, नेक्स्ट अप आई हैव दिस स्ट्रोक क्रीम बाय NY। स्ट्रोक क्रीम आप फाउंडेशन में मिक्स करके या फिर एज अ हाईलाइटर भी यूज कर सकते हो। ये आपके मेकअप को काफी डूई लुक देता है और इसकी MRP सिर्फ 249 है और मैंने इसको गोल्ड शेड में ऑर्डर किया है। इसमें बाकी शेड्स भी अवेलेबल थे, पिंक एंड पिच आई गेस। मैंने इसको यूज किया था और ये काफी अच्छा ग्लो देता है फेस को। चलिए इसका भी स्वॉच देखते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी ये काफ़ी अच्छा है, गोल्डन ग्लो दे रहे हैं मेरी स्किन को, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसको आप फाउंडेशन में थोड़ा सा मिक्स कर लो या फिर इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज़ करते हो कर सकते हो, तो काफ़ी सही है ये प्रोडक्ट। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइज, नेक्स्ट अप आई हैव दिस लिक्विड लिपस्टिक बाय NY अगेन, एंड दिस क्लेम्स दैट इट ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम एंड इंटेंसली पिगमेंटेड, लॉन्ग लास्टिंग, इन्फ्यूज विद विटामिन ई, एनरिच विद जोजोबा ऑयल एंड स्मज रेसिस्टेंट। तो लेट्स सी कि ये अपने क्लेम्स पे खरा उतरता है या नहीं। उसके पहले लेट्स सी कि इसकी पैकेजिंग कैसी है। ये प्लास्टिक बॉटल है। सो गाइज, एक क्लेम इसका काफ़ी सही है कि इट ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम। ये काफ़ी स्मूथली ब्लेंड हो गया एंड यू नो एक ही स्वॉच में ये काफ़ी अच्छे से पिगमेंटेड भी है, काफ़ी अच्छे से इसका कलर आ गया है। आफ्टर वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स एज वी कैन सी ये पूरी तरह से मैट फिनिश दे रहा है एंड यू नो ज़्यादा ड्राई भी नहीं हुआ है, मॉइस्चराइजिंग है। लेट्स सी स्मज प्रूफ है या नहीं।
सो गाइज दिस इज नॉट स्मजिंग बट इसका कलर इफ यू कैन सी ये लाइटन अप होते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये फैल नहीं रहा है बट इट इज गेटिंग लाइटन अप. सो गाइज इट ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम, ट्रू मॉइस्चराइजिंग है बट स्मज प्रूफ नहीं है. प्रोडक्ट्स यू नो मेसी नहीं हो रहा है बट रह भी नहीं रहा है, इट इज नॉट स्टेइंग एज वेल. तो ये सो सो है. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो गाइज नेक्स्ट स्टेप आई हैव दिस सेटिंग स्प्रे बाय एनवाई. इसकी एमआरपी है 199 रुपीज एंड दिस गिव्स यू अ ड्यूई लुक. मैंने आज अपना मेकअप भी इसी को यूज करके सेट किया है तो क्वालिटी वाइज काफी सही है बट हाँ क्वान्टिटी मेरे को थोड़ी कम लगी. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो गाइज नेक्स्ट अप आई हैव दिस आई स्टेंसिल्स बाय एनवाई बे. दिस इज द वर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द हॉल. मैंने इसको यूज करने की कोशिश की थी आज के मेकअप लगाते वक्त. तो ये एज यू कैन सी मैंने ये वाला जो बेसिक आई लाइनर होता है इसको यूज करने की कोशिश की थी बट एज यू कैन सी इसमें मेरा आई शेडो भी आ गया था, मतलब पूरा आई शेडो बर्बाद हो गया था. एंड ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना इससे भी द आई लाइनर गेट ट्रांसफर, तो पूरा मैसी हो गया था. तो दिस इज नॉट यूजफुल एट ऑल. इसमें आपको दो ऐसे मिल जाते हैं दोनों आईज के लिए बट दिस इज नॉट यूजफुल एज एट ऑल, मतलब पूरा पैसा बर्बाद है इसमें. सो डोंट गो फॉर दिस प्रोडक्ट एट ऑल. सो गाइज नेक्स्ट अप आई हैव दिस लिक्विड मैट लिपस्टिक बाय पर्पल. दीज आर द पर्पल मिनीज लिपस्टिक एंड इसकी एमआरपी इज 225. इसकी पैकेजिंग मेरे को काफी सही लगी. लेट्स सी कि इसकी पिगमेंटेशन एंड एप्लीकेशन कैसी है. गाइज ये काफ़ी स्मूथली अप्लाई हुआ है, मतलब दिस इज़ अ रियली नाइस प्रोडक्ट. और इसका कलर भी इतना प्यारा है ना, मतलब ये पिंक कलर है विद अ हिंट ऑफ रेड, काफ़ी सही कलर है एंड काफ़ी अच्छे से यू नो काफ़ी पिगमेंटेड है, काफ़ी अच्छे से अप्लाई हुआ है. लेट्स सी ये ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं. सो या गाइज एज यू कैन सी ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है मेरे दूसरे फिंगर्स में, इवन इफ आई एम प्रेसिंग इट सो हार्ड. सो इट इज़ नॉट गेटिंग ट्रांसफर. सो इट इज़ अ ट्रांसफर प्रूफ प्रोडक्ट. सो गाइज एज यू कैन सी मैं इसको इतने हार्डली स्मज करने की कोशिश कर रही हूँ बट ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है. और इसका कलर भी बिल्कुल भी जैसे एनवाई के प्रोडक्ट्स का कलर थोड़ा फेड हो जा रहा था, स्मज नहीं हो रहा था बट फेड हो जा रहा था, बट इसका कलर भी बिल्कुल भी फेड नहीं हो रहा है. सो दिस इज़ अ रियली नाइस प्रोडक्ट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. और कलर भी काफ़ी प्यारा है. सो गाइज नेक्स्ट अप आई हैव वन अनदर लिपस्टिक फ्रॉम द सेम पर्पल रेंज, पर्पल मिनीज रेंज एंड दिस इज अ डिफरेंट शेड. लेट्स सी इसकी क्वालिटी तो हमने देख ली है, इसका शेड देखते हैं कैसा है. सो गाइस क्वालिटी की तो मैं क्या ही बात करूँ, क्वालिटी इतनी सही है इन लिपस्टिक की. इसका कलर थोड़ा डार्क है. इफ़ यू लाइक डार्क कलर्स यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस एंड इफ़ यू आर लाइक मी एंड यू लाइक यू नो लाइट कलर्स एंड न्यूड कलर्स यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द प्रीवियस वन. सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो गाइस नेक्स्ट अप आई हैव दिस लिप बम बाय पर्पल. इसकी एमआरपी है ₹175 एंड मॉइस्चराइजिंग है एंड शेड है रॉ मैंगो. इसकी पैकेजिंग काफ़ी क्यूट है, अगर आप बॉक्स का कलर देखो ये काफ़ी यू नो पिंक एंड पर्पल कलर की बॉक्स में आता है तो पैकेजिंग काफ़ी सही है. एंड इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है सो यू कैन डायरेक्टली यू नो ओपन इट एंड अप्लाई इट ऑन योर लिप्स. द प्रॉब्लम इज द स्मेल, इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. स्मेल लाइक यू नो पेट्रोल, सो आई डोंट लाइक पेट्रोल का स्मेल सो इट इज़ नॉट गुड. तो अगर आप स्मेल में एडजस्ट कर सकते हो बट लिप बाम में आप स्मेल में क्या ही एडजस्ट करोगे. तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. मॉइस्चराइजिंग काफ़ी है, काफ़ी मतलब कोई कलर नहीं है, इट इज़ अ मॉइस्चराइजिंग लिप बाम बट हाँ स्मेल की वजह से आई डिड नॉट लाइक इट. So let's move on to the next product. So guys, next up I have this mascara by Purple. It claims max volume length mascara and इसकी MRP है ₹510. बट इसका जो ऑफर प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा. इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की आती है. सारे पर्पल के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कुछ यू नो इस पर्पल एंड पिंक कलर के पैकेजिंग में आती है. इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है. एज यू कैन सी ये काफ़ी क्यूट एंड स्मार्ट है एंड ये आपके लैशेज को काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एंड लेंथ भी प्रोवाइड करता है. मैंने आज भी अपने लैशेज इसी को यूज़ करके सेट किए हैं बट हाँ ये बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है. मैंने कल यू नो आफ्टर अप्लाइंग इट मैंने जस्ट वाटर स्प्लैश किया था अपने आईज में एंड all the mascara came off. So yeah, waterproof nahi hai. You can manage that, so you can definitely go for this. Otherwise, I will not recommend this. So let's move on to the next product. So guys, next up I have this Kajal by Purple. ये कुछ इस तरह की packaging में आता है and इसकी भी packaging same है बाकी purple products के and इसकी inner packaging कुछ इस तरह की plain you know काजल stick जो होती है उसके जैसा आता है. और काजल का जो most you know useful feature होता है that is it should be pigmented and it should be smudge proof. तो let's see कि ये उन claims में खड़ा उतरता है या नहीं.
सो गाइज एज यू कैन सी पिगमेंटेशन काफ़ी सही है, एक ही स्वॉच में ये काफ़ी अच्छा कलर दे रहा है, काफ़ी डार्क एकदम जेड ब्लैक कलर है। तो लेट्स सी अब ये स्मच प्रूफ है या नहीं। सो गाइज आई हैव वेटेड फॉर 5 सेकेंड्स, लेट्स सी ये स्मच प्रूफ है या नहीं। या गाइज दिस इज अ स्मच प्रूफ काजल, एज यू कैन सी ये बिल्कुल भी स्मच नहीं हो रहा है। ऑल्दो इसका कलर थोड़ा लाइटन अप हो रहा है बट ये बिल्कुल भी मेसी नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो रियली गुड प्रोडक्ट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइज नेक्स्ट अप आई हैव इज दिस ब्लश बाय स्टेक वर्की। इसकी पैकेजिंग मेरे को काफ़ी सही लगती है, जस्ट यू नो जस्टिफाई इट्स नेम दैट स्टेक वर्की। काफ़ी क्वर्की पैकेजिंग है इसकी। इसकी MRP है ₹299 एंड देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। सो गाइज इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। सो गाइज एज यू कैन सी काफ़ी पिगमेंटेड है और मैंने आज अपना मेकअप भी इसी को यूज़ करके किया है। काफ़ी नेचुरल लुक देता है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइज नेक्स्ट अप आई हैव दिस लिप लाइनर बाय स्टेक वर्की। इसकी भी पैकेजिंग सेम है एंड लेट्स सी कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसकी MRP है ₹225। सो या इसका स्वॉच करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। गाइज एप्लीकेशन में आपको पिगमेंटेशन अच्छा लग रहा होगा बट जब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ ना, बिकॉज इट इज़ माई हैंड, तो मतलब स्मूथ लग रहा है बट आई नो वेन आई विल बी अप्लाइंग इट ऑन लिप्स तो ये थोड़ा हार्ड होगा। तो आई डोंट नो, एज अ लिप लाइनर आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी यू नो वेरी स्मूथ बट ये उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। ऑल दो यूज़ कर सकते हैं बट हाँ आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट है। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइज नेक्स्ट स्टेप आई हैव दिस कंसीलर बाय स्टेक वर्की। इसकी क्वालिटी मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई बिकॉज ये बहुत डार्क शेड में आ गया, मैंने गलत शेड ऑर्डर कर लिया अपने लिए। बट हाँ इसकी क्वान्टिटी मेरे को काफ़ी कम लगी। एज यू कैन सी ये मेरे इंडेक्स फिंगर का भी यू नो साइज का नहीं है, तो क्वान्टिटी काफ़ी कम है। प्राइस सही है बट अगर आप अफोर्डेबल प्राइस करके प्रोडक्ट की क्वांटिटी सही नहीं दे रहे हो तो क्या फ़ायदा, राइट? सो लेट्स सी इसका एप्लीकेशन कैसा है। इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है और एज यू कैन सी इसका शेड काफ़ी डार्क है मेरे शेड से, तो मैं सोच रही हूँ इसको एज अ कॉन्टोर यूज़ कर लूँ। ऑल्दो काफ़ी स्मूथ है, एज यू कैन सी काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो गया, काफ़ी स्मूथ है एंड मैंने इसको ब्लेंड करके भी देखा था, काफ़ी ब्लेंडेबल भी है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। बट हाँ क्वांटिटी मेरे को सही नहीं लगी। तो गाइज नेक्स्ट अप आई हैव दिस हाइलाइटर स्टिक बाय स्टेक वर्की। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम द हॉल एंड इसकी आउटर पैकेजिंग अगेन सेम है बाकी स्टेक वर्की के प्रोडक्ट्स के जैसे एंड इसकी MRP है ₹449। तो एंड ऑफर प्राइस अगेन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। तो इसकी इनर पैकेजिंग कुछ साइड आपको ऐसे हाइलाइटर मिल जाता है एंड दूसरे ही साइड आपको ऐसे ब्रश मिल जाता है टू अप्लाई इट। तो ये काफ़ी मतलब पिगमेंटेड है एंड काफ़ी यू नो बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है। मैंने आज अपने फेस को हाईलाइट इसी को यूज़ करके किया है, तो काफ़ी सही प्रोडक्ट है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस इफ़ यू लाइक हाईलाइटर। मैं इसको अप्लाई करके अब आपको दिखाती हूँ। तो गाइज अभी जब मैं इसका रिव्यू कर रही थी ना, तो ये मेरे हाथ से गिर गया था, तो ये थोड़ा सा यू नो ब्रेक हो गया है, सॉरी फॉर दैट। बट इसकी बिल्कुल भी डैमेज होके नहीं आया था। मैंने इसको बहुत बार जब से ये डिलीवर हुआ है तब से मैं जब भी हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी सही हाइलाइटर है एंड आफ्टर यू नो ब्लेंडिंग विद द ब्रश यू कैन सी द ग्लो। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड हाईलाइटर यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। सो गाइज पर्पल आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ फ्री प्रोडक्ट्स भी देता है। ये तीनों प्रोडक्ट्स मेरे को फ्री मिले हैं, ऑल्दो ये दोनों मेरे काम के नहीं है बिकॉज जितनी इसकी क्वांटिटी दी गई है ना, मतलब एक बार भी यूज नहीं होगा। दिस इज अ बॉडी लोशन और मतलब इसका साइज देखो, मतलब हाथ में भी सिर्फ अप्लाई हो जाए तो काफ़ी बड़ा बात है। सो ये फ्री प्रोडक्ट्स दिया है बट थोड़ी ऐसी क्वांटिटी तो दो कि एक दो बार यूज़ कर पाए इंसान। सो या एंड फेस सीरम दिया है, एज यू कैन सी मतलब क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं थी। सो ये आई वाज नॉट हैप्पी विद दिस फ्री प्रोडक्ट्स बट हाँ ये वाला जो फ्री प्रोडक्ट दिया है दिस इज़ अ आई शेडो बाय NY, तो ये काफ़ी सही था। सो गाइज एज यू कैन सी काफ़ी स्मूथ है और इसको जब आप ब्लेंड करोगे तो ये बहुत अच्छा है, गोल्डन यू नो आई शेडो का लुक देने वाला है। सो दिस इज ऑल्सो रियली नाइस प्रोडक्ट।
फ्री प्रोडक्ट है तो अच्छा होना ही है, बट हाँ इसकी क्वांटिटी भी सही है एज अ फ्री प्रोडक्ट, बाकी दो फ्री प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सो या सो गाइज ये था हमारा पर्पल हॉल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इन सारे प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आप कौन सा प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने वाले हो, और कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं भी लगा वो भी बताइएगा जरूर। सो या शेयर इट टू योर लव्ड वंस एंड गिव योर लव टू मी, बाय बाय।